पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने टीएमसी पार्टी के सभी नेताओं के न केवल अकाउंट्स बनवाए बल्कि उन सभी को ट्विटर के साथ लिंक्स के जरिए वेरीफाई भी करवा दिया है। टीएमसी के कुछ बड़े नामों को छोड़कर सभी के अकाउंट्स प्रशांत किशोर की टीम संभाल रही है। प्रशांत किशोर की इन हरकतों से टीएमसी को फायदा की बजाय नुकसान हो रहा है। टीएफआई पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूं कि कैसे अब पीके ममता बनर्जी के लिए सोशल मीडिया पर अपने लिंक्स के जरिए बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने के लिए तथा चुनाव में प्लस पॉइंट हासिल करने के लिए मोदी विरोधी पार्टियां हर वो तिकड़म लगाती हैं जिससे वो चुनाव में शिकस्त दे सकें। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी भी ऐसे कई तिकड़म लगा चुकी है जिसमें से पीके यानी प्रशांत किशोर का अपने एक पूर्व सहयोगी से टीएमसी नेताओं का ट्विटर हैंडल का वेरिफिकेशन कराना भी शामिल है। बता दें कि ट्विटर पब्लिक वेरिफिकेशन 2017 से ही बंद है। यह हैरान होने वाली बात नहीं है, प्रशांत किशोर कोई जादूगर नहीं है बल्कि वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे ही तिकड़म लगाते रहते हैं। बंगाल विधानसभा के लिए ममता बनर्जी ने उनकी टीम आईपैक को हायर किया था और वे सोशल मीडिया पर टीएमसी और उनके नेताओं की छवि सुधारने के लिए ऐसे कई तिकड़म लगा चुके हैं। आज के दौर में परसेप्शन वॉर सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाता है जिसमें ट्विटर सबसे प्रमुख है। ऐसे में वेरिफाइड अकाउंट कारगर साबित होंगे। बता दें कि आईपैक द्वारा टीएमसी के चुनाव प्रचार की कमान संभालने के बाद सांसदों और विधायक सहित टीएमसी नेता 2019 के अंत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल हुए हैं। संडे गार्डियन के रिपोर्ट के अनुसार पहले तो प्रशांत किशोर की आईपैक की टीम ने कई नेताओं का ट्विटर हैंडल बनाया और फिर कुछ बड़े नेताओं के साथ उनके नाम को वेरीफाइड कराया। यह वेरिफिकेशन हुआ कैसे जब ट्विटर ने 2017 में इसे रोक दिया है? दरअसल इन सभी नेताओं के नाम की लिस्ट अभिषेक बनर्जी के कार्यालय द्वारा पायल कामत को भेजी गई जो ट्विटर पर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट का पद संभालती है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि पायल कामत ने अगस्त 2015 से अप्रैल 2018 तक प्रशांत किशोर की आईपैक के लिए अपने संचार प्रबंधक के रूप में काम किया था। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे उन सभी नेताओं का अकाउंट वेरीफाइड हो गया। हैरानी की बात तो यह भी है कि पहले ही कई टीएमसी के नेता ये कहते पाए गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके नाम पर ट्विटर अकाउंट्स हैं। यह तो सिर्फ ट्रेलर था, उसके बाद भी उन अकाउंट्स को आईपैक की टीम ही चलाती है ना कि वे नेता। संडे गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी नेताओं के अधिकांश सोशल मीडिया हैंडल अब प्रशांत किशोर की आईपैक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया खातों को आईपैक सदस्यों को सौंप दिया है। हालांकि टीएमसी के कुछ चुनिंदा बड़े नेताओं ने अपने निजी सोशल मीडिया स्टाफ को इस काम पर लगाया है जो बाकी सांसदों और विधायकों से अलग है, जिनके पासवर्ड आईपैक की सोशल मीडिया टीम को दिए गए हैं। इसी तरह पीके द्वारा नेताओं की प्राइवेसी में दखल देने के कारण ही कई नेताओं से अनबन हो चुकी है। कुछ दिनों पहले टीएमसी छोड़ने वाले दिनेश त्रिवेदी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। दिनेश त्रिवेदी ने बताया था कि कैसे प्रशांत किशोर पार्टी के नेताओं पर जरूरत से ज्यादा शक करते हैं और उनके सोशल मीडिया हैंडल तक चेक करते हैं और उनकी निष्ठा का सरेआम नीतियों के नाम पर हनन करते हैं। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, जो पार्टी संघर्ष से बनी है उसे चुनाव जिताने के लिए कॉर्पोरेट इंसान को हायर किया जाता है, यह अपमानजनक है। त्रिवेदी ने आरोप लगाए कि टीएमसी के सभी बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल पीके की टीम द्वारा मैनेज किए जाते थे और उस हैंडल से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को अपशब्द कहे जाते थे। यानी पीके ममता बनर्जी के साथ मिलकर हर वो चाल चल रहे हैं जिससे बीजेपी की बढ़ती लहर को काटा जा सके, चाहे वो अपने ही नेताओं की प्राइवेसी ही भंग क्यों ना करनी हो या अपने कॉन्टेक्ट से ही उनके अकाउंट क्यों ना वेरीफाई कराने हो। अब यह देखना है कि जनता इस पर क्या फैसला सुनाती है।